पूरा नगर निगम सिस्टम फेल है, खास करके हमारे नगर निगम के जितने भी जनप्रतिनिधि है, जो अभी तत्कालीन मेयर है, डिप्टी मेयर है, और अभी जो तत्कालीन नगर आयुक्त है, वो फेलियर, हर पॉइंट पे फेलियर है। पूरी नगर निगम सिस्टम खत्म है, इसका पूरा का पूरा दोष यहाँ पे गंदी राजनीति करने वाले नेता कुछ नहीं करना चाहते हैं। एक ऐसी ऐसी घटना बहुत सारा होती रहती है, वो भी छोटे छोटे बच्चे के साथ में ही होते रहती है सब घटना। कभी कभी आप देखिएगा राह चलते कि बीच सड़क पर दो चार गाय बैठी रहती है, मतलब कि वो गाय जो आवारा है और वो गाय जो जो मतलब गौ पालक उनको पालते हैं, वो भी पालने वाले जो गौ पालक हैं वो भी गाय को खुलेआम रोड पे छोड़ देते हैं। नगर निगम हमेशा लापरवाही बरतती है, कभी कूड़ा उठाने के नाम पे, कभी जल जमाव के नाम पे। अभी विगत दो दिन पूर्व वर्षा हुई है, आपको हर जगह उठा के देख लीजिए जल जमाव मिलेगा, ये उनकी लापरवाही है। राजनीतिक मेन यहाँ है, अड्डा बन चुका है, मेन कार्य नहीं करने दिया जा रहा है। अगर कुछ अच्छे लोग हैं जिनको कार्य करना है तो राजनीति के तहत कार्य नहीं होता है। राजनीति अखाड़ा बना जी, अखाड़ा मुजफ्फरनगर सबसे पहले नगर निगम का तो ठोस कदम ये उठाना चाहिए, जितना आवारा पशु कितना है, पशु है, जानवर है, जितना है, गाय है, कुत्ता है, उस सब का पहले नगर निगम वो अपना कब्जा में ले पहले। नमस्कार मुजफ्फरपुर, आप देख रहे हैं, आप मेरा नाम है उत्तम खान। आपको बता दें कि मिठनपुरा थाना क्षेत्र के मिठनपुरा चौक के समीप जो है लगभग दो दिन पहले जो है एंजल नाम की बच्ची जो है बिस्कुट लेने के लिए घर से बाहर निकली थी, जहां आवारा कुत्तों ने नोच नोच कर उसको जो है मार डाला। ऐसे में कुछ मुजफ्फरपुर के वासी है, इनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि जो उस मासूम बच्ची को जो है आवारा कुत्ते जो है नोच नोच के खा लिए, इसका जो है जिम्मेदार जो है नोच नोच कर उस बच्चे को मार डाला, इसका जिम्मेदार कौन है जो हुआ था आवारा कुत्ते जो है। अभी तो जो घटना घटी है, एंजल जो मिठनपुरा के वीसी लेन में रहती थी, वो अपनी माँ के साथ निकली थी बिस्किट लाने के दौर लिए, तो वहाँ पे पहले से उस गली में आवारा कुत्तों का एकदम हुड़दंग मचा रहता है। आवारा कुत्ते हमेशा उस जगह आपको मारे जाएंगे। वो आवारा कुत्ते उस बच्ची को अपने चपेट में ले लिए, दो कुत्ते थे जो बच्ची के सीने पे वार करके, छाती पे वार करके पेट को फाड़ दिए, जिस कारण बच्ची को हॉस्पिटल जाते मृत्यु हो गई। हमारे हिसाब से आज जो शहर में आवारा पशुओं की पूरी टोली दिखाई देगी आपको हर जगह, आप जहाँ भी चलिए आवारा पशु ही आपको हर गली में, खास करके कुत्ते गाय पाए जाते हैं। बिहार सरकार इन आवारा पशुओं को सही जगह पर रखने के लिए, पोषण करने के लिए बहुत फंड देती है, मगर मुजफ्फरपुर नगर निगम कोई ठोस कदम नहीं उठाती है। पूरा नगर निगम सिस्टम फेल है, खास करके हमारे नगर निगम के जितने भी जनप्रतिनिधि है, जो अभी तत्कालीन मेयर है, डिप्टी मेयर है, और अभी जो तत्कालीन नगर आयुक्त है, वो फेलियर, हर पॉइंट पे फेलियर है। पूरी नगर निगम सिस्टम खत्म है, इसका पूरा का पूरा दोष यहाँ पे गंदी राजनीति करने वाले नेता कुछ नहीं करना चाहते हैं। एक थे हमारे बीच प्रशासक के रूप में, नगर आयुक्त के रूप में, उनको गंदी राजनीति के तहत हटा दिया गया और तब से और फेलियर हो गया ये नगर निगम। समय पर कर्मचारियों को पेमेंट नहीं मिलना, जिस कारण कर्मचारी भी मन से काम को नहीं करते हैं, जिसका जिस वजह से ये घटना घटी। अगर आज नगर निगम अपने हिसाब से काम की रहती, आवारा पशुओं को सही जगह पर रखी रहती पकड़ कर, तो आज ये घटना नहीं घटती, शायद वो बच्ची जीवित रहती। अच्छा, एक चीज़ बताइएगा, जो आवारा पशु है, गाय है, कुत्ता है, ये सब जो है आए दिन जो है सड़क पे खुलेआम चलते हैं, जिससे सड़क दुर्घटनाएं, जाम जैसी समस्याएं बनती, बिल्कुल बनी रहती, होती है, घटनाएं घटती है। अभी आप चलिएगा टावर की तरफ, कल्याणी की तरफ, सब्जियों वालों के रेहड़ियों के खाने के लिए गायें, आवारा जो गायें हैं, पशुए हैं, वो जब सब्जी को अपना मुँह लगाती है तो सब्जी चालक उसको बचाने के लिए, अपनी सब्जी बचाने के उसको मारता है मुंह पर, जिस कारण वो गाय एक बैग मूर्ति है, जो उस दौरान कोई भी बाइक वाला हो, रिक्शा चालक हो, साइकिल चालक हो, वो गिर ही जाना है, किसी का पैर टूट जाना है, किसी का कमर में चोट लग जाना है, ये तो घटनाएं घटती रहती है। लेकिन इसको लेके जो है नगर प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं, नगर निगम फेलियर है, पूरी डिपार्टमेंट। क्या पूछिएगा, ठूस रवि महतो। अच्छा, ये जो घटना हुई है बीते दिनों मिठनपुरा थाना क्षेत्र में, जो जो बच्ची को आवारा कुत्तों ने जो है नोच नोच के मार डाला, इसका कौन जिम्मेदार है? नगर निगम प्रशासन,
सरकार जो है नगर निगम जो है आवारा पशुओं के लेकर कोई उचित व्यवस्था नहीं कर रही है, कुछ भी नहीं कर रही है। आए दिन भी तो ऐसी ऐसी घटना होती रहती है, वो सभी लोग देखते हैं। अच्छा, आवारा पशु के घूमने सड़क पर घूमने से क्या क्या समस्याएं आती है? बहुत सारा, छोटे छोटे बच्चे लोग के साथ होती है घटना, जो अभी भी हाल फिलहाल अभी जो हुई है सो। और क्या समस्याएं होती है? ऐसी ऐसी घटना बहुत सारा होती रहती है, वो भी छोटे छोटे बच्चे के साथ में ही होती रहती है सब घटना। अच्छा, एक चीज़ बताइएगा, ये जो आवारा पशु घूमते हैं इससे संक्रमण का जो है खतरा बना रहता है? आवारा पशु तो वो आवारा पशु ही है, उनमें इतनी समझ नहीं होती है कि वो हमारे जो लोग सड़क किनारे चल रहे हैं वो किस काम से जा रहे हैं। उनको अगर कोई इंसान उनको हटाना होता है रास्ते से कि हट जाओ, या कुछ ईटा मारकर हटाने की कोशिश करते हैं, तो जो आवारा पशु में जो थोड़ा काटने टाइप के रहते हैं वो तो उनको काट लेते हैं। काटने से वो पशु को तो लगता नहीं कि हमारे काटने से उनको क्या हुआ, पर जो इंसान को कुत्ता काट लेता है या और भी जो पशु काट लेते हैं उनको तो बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। और कभी कभी आप देखिएगा राह चलते कि बीच सड़क पर दो चार गाय बैठी रहती है, मतलब कि वो गाय जो आवारा है और वो गाय जो मतलब कि गौपालक उनको पालते हैं, वो भी पालने वाले जो गौपालक हैं वो भी गाय को खुलेआम रोड पे छोड़ देते हैं। कुछ दिन पहले निगम की ओर से पेपर वर्क हुआ था कि जितने भी जो पालतू गाय हैं उनको गौपालक अपने अपने घर पे अपने तबेला में रखे, पर फिर पेपर वर्क ही हो पाया। वो भी गाय सड़क किनारे चलती है, उन गायों का भी वही हाल है, लोग सड़क किनारे चलते हैं, कुछ गाय सूट से उनको कुछ लोग को मार भी देते हैं, तो इनका मतलब ये जो मार देते हैं इनमें किनका गलती है? मेरा परिचय रोहित केवट। अच्छा, देखिए एक चीज़ बताइएगा, ये जो छोटी बच्ची की जान गई है आवारा पशुओं के वजह से, इससे जो है नगर प्रशासन साफ लापरवाह दिख रहा है और इसके लिए अभी भी जो है कोई ठोस कदम जो है नहीं उठाया गया है? नगर निगम हमेशा लापरवाही बरतती है, कभी कूड़ा उठाने के नाम पे, कभी जल जमाव के नाम पे, अभी विगत दो दिन पूर्व वर्षा हुई है, आपको हर जगह उठा के देख लीजिए जल जमाव मिलेगा, ये उनकी लापरवाही है। उनके डिपार्टमेंट में जितनी सुविधाएं लेस है अगर उनका प्रयोग करें तो आपको शहर में ना आवारा पशु दिखेंगे, ना आपको जल जमाव दिखेगा, ना गड्ढे युक्त सड़क दिखेंगे, बस जो है सो लापरवाही है, जिस कारण सारे उनके सुविधाओं लेस मशीनरी आपको कहीं ना कहीं खड़ी मिलेगी नगर निगम के अपने जगहों पर, उनके अड्डों पर, रोड में कार्य करते नहीं दिखेगा। अच्छा, स्मार्ट सिटी के नाम पे भी उगाही हो रही है? स्मार्ट सिटी के नाम पे उगाही तो होना ही है, और आने वाले दो चार बरस परेशानियों का भी सामना मुजफ्फरपुर के टाउन की जनता को करना पड़ेगा। अच्छा, आपने एक बात बताया है कि नगर प्रशासन लापरवाह है, क्यों लापरवाही बढ़ती जा रही है प्रशासन के द्वारा, ये बताइए? राजनीतिक मेन यहाँ है, अड्डा बन चुका है, मेन कार्य नहीं करने दिया जा रहा है। अगर कुछ अच्छे लोग हैं जिनको कार्य करना है तो राजनीति के तहत कार्य नहीं होता है। राजनीति अखाड़ा बना जी, अखाड़ा मुजफ्फर पटना राजधानी क्षेत्र है राजनीति की, बिहार विधानसभा की, मगर मुजफ्फरपुर में आपको अधिक राजनेता मिलेंगे। यहाँ की राजनीति के तहत ही यहाँ की सिस्टम फेल है, यहाँ के सिस्टम पूरा करप्ट है। राजनीति के दर लेकिन परेशानी लोगों को होती है? बिल्कुल, आम जनता को, नेता को थोड़ी परेशानी होती है, हमें होती है। अच्छा, बीते दिनों जो घटना हुई है आपने देखा होगा, क्या बताइएगा? बहुत दुखद घटना है वो, जो उसकी कितना निंदा कही जाए बहुत कम है नगर निगम की। कौन लापरवाह है? नगर निगम प्रशासन ऑलरेडी। अच्छा, इसको लेकर क्या कुछ ठोस कदम उठाया जा सकता है नगर? सबसे पहले नगर निगम का तो यह ठोस कर्मी उठाना चाहिए, जितना आवारा पशु कितना है, पशु है, जानवर है, जितना है, गाय है, कुत्ता है, उस सब का पहले नगर निगम वो अपना कब्जा में ले पहले। क्या पूछे हुआ? सोनू कुमार। तो देखिए, लोगों ने बताया कि मुजफ्फरपुर नगर निगम जो है राजनीति का जो है अखाड़ा बन गया है, जिसका सामना जो है लोगों को करना पड़ रहा है, और उस बच्ची के साथ जो यह घटना हुई है इसका जिम्मेदार जो है पूरा नगर निगम है। तो बने रहिए आप हमारे साथ, देखते रहिए मुजफ्फरपुर।